पहले फ्रेंडशिप, उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद और कुछ। हम लोग देखते हैं, हम लोगों के साथ है, हम लोग घूमने जाते हैं, ओयो में जाते हैं। बात अब एक साल बाद सेकेंड ईयर में आप आईटी चले जाओगे, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, वहां पे आपका पुंगी बजा देगा। हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर ऑडिबल माय वॉइस। एंड जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आज मैं बात करूंगा, और जिस वीडियो के लिए बहुत लोग वेट करता है, ठीक है ना, सब कुछ मैंने सब कुछ होटल इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद जो जो आप लोगों के साथ होता है, उसके साथ साथ होटल मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप भी होता है, सब कुछ ओवरऑल एवरीथिंग आज मैं उगल कर रख दूंगा। मेरे साथ जो भी हुआ है, मैं जो कुछ भी देखा है, मेरा कॉलेज अभी तक भी नहीं हुआ है, अपने फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, तब भी मैं जो अभी तक भी फेस कर रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो बात ये है कि हम लोग जब होटल मैनेजमेंट कॉलेज में आ जाते हैं, हम लोग कोई किसी का पहले से प्लान नहीं था जो होटल मैनेजमेंट ही करूंगा, होटल में बॉस बनूंगा, होटल में जीएम बनूंगा, मैनेजर बनूंगा, सेफ बन जाऊंगा, ऐसा कोई प्लानिंग हम लोग को नहीं रहता। हम लोग कोई दूसरे स्ट्रीम में रहता, वहां से हम लोग छूट के यहाँ पे आ जाते हैं, जो सही होता है, ठीक है ना। 90% लोगों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं थोड़ा दूसरी किसी पे था, तो मैं शिफ्ट करके होटल इंडस्ट्री में आ चुकी है। तो और अभी मैं फोर्थ जॉब छोड़ चुकी है, अभी तक मैंने जॉब का ऑफर लेटर आ चुके, मैं नहीं गया थोड़ा कुछ करने के लिए। अगला वीडियो में भी मैं बोला था, अभी भी मैं बोल दूंगा, जो कुछ भी हुआ छोड़िए। बात ये है, हम लोग जब होटल मैनेजमेंट कॉलेज में अंडर घुस जाते हैं, पहले जो एक टर्म के साथ हम लोगों को मिलता है वो है ग्रूमिंग। व्हाट इज ग्रूमिंग ये नहीं बोलूंगा अभी, तो थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। ग्रूमिंग यही होता है कि अभी जो बियर्ड मेरा देख रहा है ना, ये बियर्ड भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, फुल क्लीन शेप रहेगा, और थोड़ा फिटनेस बहुत अच्छा खासा रहेगा। मेरा जो बाल है अभी जितना तरीका से देख रहा है, ऐसा नहीं था, बहुत ही बेकार था। अभी थोड़ा बहुत ग्रूमिंग के बारे में जान के सीख के थोड़ा बहुत ठीक किया। बात यही है, ग्रूमिंग के साथ परिचित होता है हम लोग, जो दूसरे से हम लोगों को थोड़ा अच्छा दिखने लगे, दूसरे से हम लोगों का ग्रूमिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, फास्ट लुकिंग यानी फास्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, इसको ग्रूमिंग बोलता है, ठीक है ना। तो ग्रूमिंग के साथ हम लोग जब परिचित होता है, तो वहां पे बहुत सारे गर्ल्स भी आता है, 90% 95% बॉयज तो गर्ल्स के लिए अट्रैक्ट होता ही है, और गर्ल्स भी उन लोगों का ग्रूमिंग, गर्ल्स तो पहले से ही उन लोगों का अने उन लोग खुद का मेकअप के वजह से उन लोग बहुत अट्रैक्टिव लगता है, यहाँ पे आके ग्रूमिंग सीख जाने के बाद से और भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो बात क्या होता है, जब उन लोग को हम लोग देखते हैं ना, हम लोग को पीछे एक ही बात होता है कि यार होटल मैनेजमेंट में ठीक है, हम लोग फाइव स्टार इंडस्ट्री में आ चुकी है, अच्छा खासा कॉलेज, एयर कंडीशन, क्लासरूम बहुत अच्छा कुछ है, इसके साथ साथ वो जो लड़की है उसको मेरे को पटवाना चाहिए, उसको इम्प्रेस करना चाहिए, उसके साथ डेटिंग में जाना चाहिए, उसके साथ पहले फ्रेंडशिप, उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद और कुछ। तो ऐसा कुछ हम लोग के दिमाग में घुस जाता है और उस लड़की के पीछे हम लोग भाग जाते हैं। तो बात क्या होती है, इसके एंड ऑफ द डे कोई कोई सक्सेस पा जाता है रिलेशनशिप में, कोई कोई सक्सेस नहीं पाता। जिन लोग सक्सेस नहीं पाता उन लोगों के से 90% बॉयज घटिया हो जाता है, मीन्स घटिया मीन्स ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए मेरे को, सॉरी, मीन्स उन लोग ड्रग्स के अंदर में चला जाता है, उन लोग ब्लैक साइड में चला जाते हैं, और कुछ कुछ बंदे हैं जो धोखा खाने के बाद भी पॉजिटिव में आ जाते हैं, थोड़ा कुछ करने के लिए कोशिश करता है और अच्छे कुछ करने के लिए बहुत भी मेहनत करता है, और लाइफ को सक्सेस करने के लिए, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। बात वो है, जो लोग पार्टी में नहीं जाता, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मीन्स उन लोगों का रिलेशनशिप में जाने के बाद उन लोगों को सोचता है मैं सब कुछ पा चुकी है, बहुत अच्छा गाल है, बहुत अट्रैक्टिव है, और गाल भी सोचता है बहुत, बॉयज भी बहुत अट्रैक्टिव हो चुकी है, क्योंकि ग्रूमिंग तो सब लोगों का अच्छा है। तो ऐसे ही क्या होता है, उन लोगों का जो दिमाग है ना, पढ़ाशुना से हट के, स्टडी से हट के, इंडस्ट्री से हट के, कोई माने जो ओरिजिनल जो चीज है, जिसके लिए आप लोगों का पेरेंट्स आप लोगों को कॉलेज में भेजा, लाखों लाखों रुपया आप लोगों का पीछे उन लोग जो ढल रहा है ना, उन लोग जो दे रहा है ना, उसका कोई मतलब आप लोगों का नहीं है। उस टाइम लोगों का माइंड में एक ही चीज रहता है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप, लव, अट्रैक्शन, और जो कुछ भी होता है सब कुछ। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, ये सब कुछ तो जरूरत है, हम लोग देखते हैं, हम लोगों के साथ है, हम लोग घूमने जाते हैं, ओयो में जाते हैं, कोई से छुपाने का कोई जगह नहीं है। जो बोल रहा हूँ मैं सामने में बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो देखता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बात यही है, तो ये सबसे हम लोगों को बचना नहीं चाहिए, सॉरी, चाहिए तो 100%, लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं बहुत सारे बंदे को बोला, बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला, नहीं हो चुकी। तो आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ मैं एक ही बात शेयर करूंगा, जो
मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, छोड़ दो ये कर लो वो कर दो, नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में विदाउट स्टडी, विदाउट फ्लुएंट इंग्लिश, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट ग्रूमिंग, विदाउट परफॉर्मेंस, यू कैनॉट अचीव अ ग्रैंड सक्सेस इन दिस डायनामिक इंडस्ट्री। सो एट फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू वाज़ एब्सोल्युटली फिट फॉर दिस जॉब। सो आप लोगों को खुद को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, रिलेशन के साथ साथ भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, रिलेशन के साथ साथ हम लोग खुद को तैयार कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा पार्ट डे एक घंटा करके अगर स्टडी करोगे ना तो 30 डेज में 30 आवर्स स्टडी हो जाता है। अगर 30 आवर्स इस होटल इंडस्ट्री में स्टडी मीन्स बहुत अच्छा है। अगर तुम दिमाग से पढ़ोगे उस टाइम भी, अगर व्हाट्सएप चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में, और थियोरी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉलेज से जो जो नोट मिलता है आप लोगों को, वो नोट बहुत अच्छा से पढ़िए। जो बुक्स मिलता है बुक्स पढ़िए, लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आइए, थोड़ा बहुत पढ़िए। जो कॉलेज में वहाँ पे क्लास हो रहा है वो क्लास के रिलेट करके जो बुक्स में चैप्टर है उस चैप्टर को फॉलो करिए, अच्छे से पढ़िए। मैं नहीं बोलता 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़िए, दो घंटा पढ़िए, एक घंटा पढ़िए, बट पढ़िए। मैं यही बात बोलना चाहूंगा जो रिलेशन के साथ चलिए, पढ़ाशनों के साथ, मीन स्टडी के टाइम पे। देखिए एक घंटा दो घंटा निकलना बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सब लोग निकल सकते हैं, क्योंकि हम लोग निकलते नहीं है क्योंकि वहां से आके हम लोग टायर्ड हो जाते हैं। थोड़ा कॉलेज है, कॉलेज के साथ साथ कैंटीन में थोड़ा गर्लफ्रेंड के साथ बस के समोसा खा के दूसरे जगह पे घूम के वहां पे चल के घर आके हम लोग थक जाते हैं, नहीं पढ़ाई करते, सो जाते हैं और मोबाइल के साथ साथ चैटिंग करते हैं और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के अंदर में भिड़ जाते हैं हम लोग। तो आप लोगों को यही बात बोलूंगा, सोशल मीडिया है वो तो करना ही चाहिए। जो जो हम लोग तो कोई तो मीन्स तो अट्रैक्शन हो चुकी है ना आजकल का जो का हम लोगों का, मेरा खुद का भी अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन मेरा भी है। तो सब कुछ करना है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ करना है। स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी तक आप लोग नहीं सोच सकते, इसके बाद अब एक साल बाद सेकेंड ईयर में आप IT चले जाओगे, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे आपका पुंगी बजा देगा, ठीक है ना। मैं IT किया, मेरे को पता है क्या क्या होता है। तो आप लोग कॉलेज का सीनियर लोगों के साथ से पास से भी सब आप लोगों का मालूम पड़ जाएगा, जो मैंने उन लोग जो है ना आप लोग का पुंगी बजा देगा। तो बात यही है, तो पढ़ाशुना कर लीजिए, कॉलेज को कॉलेज में क्लास में थोड़ा बहुत कंसंट्रेट कीजिए, उसके साथ साथ रिलेशनशिप भी करिए, क्योंकि ये भी हम लोगों का लाइफ है, ये छोड़ के तो आप लोग नहीं रह सकते। और फाइव स्टार इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं उन लोगों का तो दो विंग्स जो पकना आ जाता है ना पिच पिट में, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ करिए लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो थोड़ा बहुत लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।